व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लेयर गेमिंग में। गाइस, आज मेरा अकाउंट फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मैक्सिमम लेवल यानी लेवल 13 होने वाला है, तो पहले वही कर लेते हैं। मेरे को केवल 14 XP की ज़रूरत है इस टाइम, सो आई हैव टू अपग्रेड समथिंग। क्या अपग्रेड करूँ, मिनिमम कॉइंस में अपग्रेड हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो स्नोबॉल नहीं, फायर स्पिरिट्स यस, दे आर मोर यूजफुल इन माई ओपिनियन एज कम्पेयर टू स्नोबॉल। मैं फायर स्पिरिट्स अपग्रेड करता हूँ और इनको अपग्रेड करने के साथ ही फाइनली मेरा अकाउंट हो गया है मैक्सिमम लेवल, यानी कि लेवल 13 इन क्लैश रॉयल, और स्टार पॉइंट्स अनलॉक हो गए हैं। तो अब एक नया डैक बना लेते हैं इसी के साथ। इस डैक में इलेक्ट्रो विजार्ड को सब्सटीट्यूट करते हैं स्केलेटन ड्रैगन से। सो इस डैक में मेरे पास दो बूस्टेड कार्ड्स हैं, प्रिंस और स्केलेटन ड्रैगन, यानी कि इन दोनों का लेवल 13 है और स्केलेटन ड्रैगन्स का तो डैमेज बहुत ही ज़्यादा है, 207। सो इसलिए मैंने इनको इलेक्ट्रो विजार्ड से सब्सटीट्यूट कर दिया है। और इस डैक का यूज़ करके गाइस मैंने 10 मैचेस खेले और मैं 10 के 10 मैच लगातार जीता। मैं आपको अपना एक्टिविटी लॉग दिखाता हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3, और अपोनेंट के डैक देखिए, जाइंट डैक, मेगा नाइट डैक, रॉयल जाइंट डैक, इनमें से कोई भी डैक हमारे डैक के आगे टिक ही नहीं पाया गाइस। सो इस डैक को कैसे यूज़ करना है, उसका गेम प्ले मैं आपको एक मैच में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको अपने 10 मैचेस दिखा देता हूँ, इससे नीचे तो मैं हार गया था। सो अब इसका गेम प्ले देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं। थर्टीन लेवल अपोनेंट आया है। इस लेवल तक जब आप पहुंच जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द अपोनेंट 13 लेवल से आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले फायर बॉल ही मार देते हैं क्योंकि विजार्ड उसने चल दिया है। फायरबॉल मेरी केवल लेवल 10 है, तो पूरा विजार्ड तो 13 से भी नहीं जाता, बट मैं अब अपनी अपग्रेड करने वाला हूँ फायरबॉल, उसके बाद तो ये डैक और भी ज़्यादा लीथल हो जाएगा। फायर क्रैकर है, फायर क्रैकर को तो जहाँ देखो वहीं पर ही मार देना चाहिए क्योंकि बहुत ही डेंजरस है, और शायद यही एक रीज़न है कि मैं भी इसको अपने डैक में यूज़ कर रहा हूँ। ये अकेली संभाल लेगी इनको, बट इसने भीड़ में छुपा के हॉग राइडर भी भेजा है। अब देखिए स्केलेटन ड्रैगन्स का इतना ज़्यादा डैमेज है कि केवल 2-3 हिट्स में ही हॉग राइडर को ख़त्म कर दिया। ये टावर पर भी डैमेज कर सकते हैं मेगा नाइट, तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो मैं मेगा नाइट को डेविएट करने की कोशिश करूँगा, और सक्सेसफुली मैंने मेगा नाइट को डेविएट कर दिया है। मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट में मैंने अपना रॉयल जायंट डिप्लॉय किया और बैट्स को संभाल लिया, बट यहाँ डैमेज हो चुका है। तो अब इस पूरे को संभालने के लिए मैं केवल एक 3 एलिक्सर कार्ड रॉयल डिलीवरी यूज़ कर रहा हूँ। देखा आपने रॉयल डिलीवरी कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है, उसका मेगा नाइट था और मिनियन हॉर्ड ही थी, मतलब देखा जाए तो 12 एलिक्सर्स यहाँ पर थे और मैंने केवल 3 एलिक्सर यानी 1/4 एलिक्सर के साथ उसके पूरे पुश को ख़त्म कर दिया। तो आई होप कि अब वो काफ़ी पीछे चल रहा है हमसे एलिक्सर में। सो आई एम क्रशिंग माय प्रिंस। विजार्ड पर फिर से एक बार फायरबॉल अटैक। अब देखते हैं क्या चलेगा ये। आई एम प्रेडिक्टिंग स्केलेटन आर्मी। ओप्स, मिस हो चुके हैं, लेकिन प्रिंस सीधे जाकर के टावर में लग चुका है और इसको थैंक्स बोलना तो बनता ही है शानदार अटैक के लिए। ओ भाई गॉड, मैं प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है हॉग राइडर को रोकने के लिए, केवल फायर क्रैकर अकेली ही है, और शायद अब ये टावर चला ही जाएगा। तो अब मैं लेफ्ट साइड से पुश करता हूँ क्योंकि राइट साइड पे टावर पे अगर हम अपने तरफ से देखें, ये जैप था या लाइटनिंग, शायद लाइटनिंग है ये। तो मैं कह रहा था कि अगर राइट साइड के टावर पर देखें तो केवल एरोज में वो टावर ख़त्म हो जाने वाला है। तो अभी जब तक टाइम है तब तक इधर ही रश करते हैं अपना पुश। विजार्ड के ऊपर अगर एरोज मार देता तो शायद विजार्ड ख़त्म हो जाता, बट 30 सेकेंड ही बचे हैं और फिर मैं दोबारा एरोज को जल्दी से साइकिल नहीं कर पाऊंगा, तो दैट्स वाई मैंने अपने एरोज विजार्ड पर वेस्ट नहीं किए। रॉयल जायंट टू डेविएट डैम, और रॉयल जायंट के ऊपर स्केलेटन ड्रैगन, और अब स्केलेटन ड्रैगन और फायर क्रैकर ने आर्मी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, लाइटनिंग ही यूज़ कर रहा है ये इतना डर गया रॉयल जायंट और स्केलेटन ड्रैगन की पुश को देख के कि इसको अपने 6 एलिक्सर्स ऑफ लाइटनिंग उनके ऊपर वेस्ट करने पड़ गए। मेगा नाइट को डेविएट करते हैं किंग टावर की तरफ। बढ़िया प्रिंस, नहीं, ओ शिट, मेरे को लगा था कि प्रिंस जो है हॉग राइडर को देख लेगा, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो चुकी है। ये मैच मैं हारना नहीं चाहता। क्या ये मैच मेरी 11th विक्ट्री हो पाएगी, देखते हैं।
यहाँ पर मैं एरोज वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि फायर क्रैकर अकेले इन सबको संभाल लेगी। रॉयल जैंट के दो हिट्स, तीन हिट लगभग। मैगनाइट का जंप डैमेज हमने नहीं लिया है और रॉयल डिलीवरी और स्केल्टन, क्योंकि हॉकराइडर का एक एक हिट बहुत ही डेंजरस साबित होगा यहाँ पर। फिर से मैं रॉयल जैंट से स्टार्ट करूँगा। इसने लाइटनिंग यूज़ करी है, ओनली 839 रह गया है हमारे पास। मैं एरोज यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्केल्टन आर्मी ही डिप्लॉय करने वाला है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फायर क्रैकर वन हिट एक हिट और बस। अब फायर बॉल, और ये होती है हमारी 11th विक्ट्री यूजिंग दिस डैक। तो गाइस, इस डैक को अगर आप लेजेंडरी लीग में यूज़ करते हैं, केवल लेजेंडरी में ही नहीं किसी भी लीग में, तो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उस मैच को जीतेंगे। जैसे ये मेरी 11th विक्ट्री थी इस डैक के साथ, स्टार लेवल भी हो गया मैं और 11th विक्ट्री। सो गाइस, अगर आपको ये डैक और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।